मेला जो है 1947 से यहाँ पे हमारे जो पुराने जो है मेंबर हुआ करते थे, वैसे बीके झावर हो गए, सीके चक्रवर्ती हो गए, डॉक्टर सीके चक्रवर्ती, और ऐसे बहुत सारे लोग जो है प्रमुख प्रमुख व्यक्ति जो है यहाँ पे पहले पूजा का नींव रखे थे, और उसी का मतलब जो है परंपरा का निर्वाह करते हुए, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो बंगला रीति रिवाज से पूजा पाठ मतलब यहाँ पे होती है, और इसको हम लोग बोले पारंपरिक रूप से जो है ट्रेडिशनल पूजा के रूप हम लोग कह सकते हैं, और हम लोग लगातार जो है उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग जो है पूजा पाठ में ही हम लोग विशेष फोकस रहता है। ऐसे तो सभी जगह पूजा पाठ होती है, लेकिन बहुत जगह जिसे तड़क भड़क भी रहता है, दिखाव भी रहता है, लेकिन हम लोग उस पर कम फोकस करते हुए हम लोग पूजा में फोकस करते हैं। और इस बार अमृत महोत्सव है, इस अमृत महोत्सव पूरा देश में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, विभिन्न रूप में हर विभाग में हर तरीका से मतलब मनाया जा रहा है देश के अंदर में। इस बार जो है अमृत महोत्सव जो 75वां साल बीत चुका है, 76वां साल हम लोग इस पर मना रहे हैं, तो उसमें हम लोग विशेष करके जो है मुंबई का कलाकार जो है स्वाति मल्लिक जी है, जो कि अपने जो डांडिया जो कार्यक्रम है सप्तमी के रोज में, महासप्तमी के रोज में, वो दिन मुंबई से चल के आ रही हैं, और इसमें जो है कि डांडिया का कार्यक्रम होगा, उसमें काफ़ी संख्या में लोग जुटेंगे लोग। और ये थीम का बात जब जहाँ तक आता है, ये हाल फिलहाल में 2-4-5 साल में थीम का सोच जो है लोगों में बढ़ चढ़ कर आया है कि क्या थीम हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारे पूजा उससे कोई मतलब नहीं रखती है, हमारे पूजा एक पारंपरिक पूजा है। 1947 का साल था जिस साल हमारे देश आज़ाद हुए थे, उसी साल हमारे यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग थे उन लोग यहाँ पूजा के प्रारंभ किए थे, और तब से ये पूजा आज 76वां साल है चलते आ रहा है पूजा पारंपरिक रीति रिवाज के साथ में। यहाँ 5 पुरोहित, इस साल तो 6 आ रहे हैं, 6 पुरोहित बांकुड़ा से आते हैं, वो अपना बंगाल के जो रीति रिवाज होता है उसी से मिलता जुलता है, या उसी का जो नियम है उसी नियम से हमारे यहाँ पूजा होती है। ढाक का प्रथा वो भी शुरू से ही चलते आ रहा है। भोग जो है यहाँ का एक विशेषता है, भोग आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ क्या विशाल रूप है। हमारे जो पक्षशाला है वहाँ जाने से देखेंगे यहाँ व्यवस्था बहुत बृहद रूप में होती है। ये जो आप चूल्हा देख रहे हैं, ये 4 चूल्हा है, ये षष्ठी रात से जलती है और नवमी शाम तक ये कंटिन्यूसली जलते रहती है। इसमें भोग बनता है, जो यहाँ लकड़ी पड़ी हुई है उस लकड़ी के द्वारा ही इसका भोग का निर्माण होता है। हर पंडाल में आप जाइए, लोग आते हैं रात भर घूम घूम के पूजा देखने के लिए, शहर के देहात से दूर दराज से लोग आते हैं रांची में और पूजा देखते हुए निकलते हैं। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ लोग थक हार कर यहाँ पर आते हैं, जानते हैं कि यहाँ गोंदा टाउन दुर्गा पूजा पंडाल में जाएंगे तो वहाँ पर बैठने के लिए हमें जगह मिलेगी। यहाँ 500 से 700-800 कुर्सी रखा हुआ रहता है, जिसमें लोग आके पूरा फैमिली के साथ में यहाँ पर आके बैठते हैं, कूलर का ठंडा पानी पीते हैं, प्रसाद जो है वो सुबह से लेकर के रात तक 4-5 बार डिस्ट्रीब्यूट होता है, साथ में खिचड़ी भोग का व्यवस्था रहता है। अभी जो माहौल है अभी दुर्गा पूजा का, हर जगह दशहरा पूजा का पंडाल भी लगता है पूरा रांची महानगर में, और दुर्गा पूजा यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा में नव दुर्गा का पूजा किया जाता है, कुष्मांडा माता, चंद्रघंटा माता, ब्रह्मचंडी माता, शैलपुत्री माता, इसकता माता, कतानी माता, करात्री माता, महागौरी माता, नव दुर्गा माता, ये दुर्गा जी का नाव का रूप है। 9 दिन का पूजा होता है कलश रख के, और पूरा समाज पूजा में विलीन रहते हैं, भक्ति के रूप में सब दुर्गा माँ का आशीर्वाद उनका कृपा चाहते हैं, और पूरा झारखंडवासी को मेरा तरफ से खुशहाल रहे और सुंदर रहे, और दुर्गा पूजा के माहौल में अपना फैमिली परिवार घूमने निकलते हैं तो शांतिपूर्ण निकले, और हम इतने कह के अपना बात ख़त्म करते हैं। भाई जय जवाहर, जय झारखंड।